बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के पीके बोर्ड मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से आपको खुश आमदी। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम अपना आखिरी सवाल सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो बराए मेहरबानी हमारे पिछले लेक्चर्स को भी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास कह रहा है, इफ यू प्लस वी इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 12, फाइंड यू माइनस वी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है, आपके सेक्शन बी में आ सकता है। तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? तो अगर पीछे प्रैक्टिस है तो मसला नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा बच्चों, ये अब आपको कह रहा है, ठीक है बच्चे। तो आप सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, यू प्लस वी 7 है, यू वी 12 है। तो अब आपके पास फार्मूला, जिस तरह हमारे पास फार्मूला है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ ए बी की जगह हम यू भी लिख देंगे। तो हम कहेंगे यू प्लस वी होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, तो ये 4u ही हो जाएगा क्योंकि ab की जगह यहाँ u आया, तो ये आपके पास ही हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है पुटिंग दी वैल्यूज, ठीक है बच्चों। अब आपने इसमें क्या करने हैं, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट करें, जहां जहां u प्लस वी लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिख दें 7 स्क्वायर माइनस, जहां u माइनस वी लिखा हुआ है उधर आप लिख दें 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और एक मिनट, ये यू माइनस वी तो ये गलत हो गया, यू माइनस वी तो हमें मालूम करना है, यू माइनस वी ये वैसे ही लिखेंगे, और 4ue और यू आपके पास है 12, ठीक है बच्चों। तो पिछले सवालों से थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो 7 से ये हो गया आपके पास 49 माइनस यू माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 4 12 हो गया 48। 49 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों, ये अब आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस यू माइनस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48। ये 49 बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, प्लस है, तो ये वहां जाके माइनस बन जाएगा, वहां जाके माइनस बन जाएगा। तो ये आपके पास बच जाएगा माइनस यू माइनस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों साइड पर जो माइनस है ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बच्चों बच जाएगा यू माइनस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये स्क्वायर को खत्म करना है, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड से जो है आप क्या कर दोगे, अंडर रूट लगाओगे। तो ये अब आपके पास बच जाएगा यू माइनस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अंडर रूट इधर भी, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, यू माइनस वी इज इक्वल टू 1 का रूट हो जाए प्लस माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 अपने इख्तिताम पे पहुंची है। तो आपको कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, आप हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, पेज को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 4.4 पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।